अस्सलाम वालेकुम। भारत ब्लॉग में आप सभी का इस्तकबाल है। आज मैं मिर्ची का अचार बनाने जा रही हूँ, भरुआ मिर्ची का। तो हम उसको नए तरीके से बनाऊंगी। मैं पहले तो हमने इसको धो लिया अच्छे से पानी में और कॉटन के कपड़े से सुखा के हमने इसको खूब सुखा लिया, धूप दिखा दिया। अब हम इसके सब डंठल तोड़ लूँगी। इसी तरह तोड़ के मैं पूरा रख लूँगी, फिर आगे का हम प्रोसेस देखिए। हम इस तरह सारा मिर्ची का डंठल निकाल लिए हैं। अब हम चलते हैं मसाले की तरफ। देखिए मैं क्या क्या मसाला रखी हूँ, बता दूँ इसमें डालने के लिए। देखें, ये हमने सौंफ लिया, ये जीरा है, ये मंगरेल है, इतनी मेथी है, ये 5-7 सूखी मिर्ची है, और अब ये धनिया ली हूँ इतना। अब मैं राई इसका दाल निकालूँगी, कच्चा ही रोस्ट नहीं करूँगी। और ये इतना हमने लहसुन ली हूँ, और ये नमक है, ये तेल है। नमक हमको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, स्वाद के अनुसार। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हम सबको हल्का हल्का रोस्ट कर लूँगी, सबको हम रोस्ट करेंगे। इसी तरह सब हल्का हल्का हम रोस्ट कर लेंगे। और सरसों को छोड़ के सरसों हम रोस्ट नहीं करेंगे। ये हींग है, हींग भी बहुत ज़रूरी है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। मैं सब एक साथ डाल के मैं रोस्ट कर लूँगी। हम सरसों का तेल लिए हैं, हमें सरसों का तेल बहुत पसंद है। और इतना ही तेल में हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको मिक्सर में मोटा फोड़ूंगी, कटुआ बनाऊंगी। तो थोड़े ही तेल में, हमें तेल ज़्यादा पसंद नहीं है, सरसों का तेल है, थोड़े ही तेल में, इतने ही तेल में सब पूरा मसाला मिला के। और खटाई भी है, खटाई मैंने अभी भूल गई हूँ दिखाना। इसमें मिला के सब रोस्ट करके हम निकाल लेंगे। इसमें पहले मैं जो राई है उसको थोड़ा फोड़ूंगी। इसी तरह मैं सब मसाले को पहले अब मैं मिक्सी में मार लूँगी। फिर देखिए मैं चल रही हूँ खटाई मिलाने, यह खटाई है। और मैं इसमें हल्दी वल्दी बना के रख ली थी इसलिए नहीं दिखाई, फिर भी थोड़ा डालूँगी। थोड़ा डाल देते हैं, लुक अच्छा लगता है। अब मैं मिला रही हूँ, देखिए इतना मोटा मोटा मैंने फोड़ी हूँ। जैसे ठेसा चटनी होती है बिल्कुल वैसे ही।
अब मैं तेल डालूंगी। अब मैं नमक ले रही हूँ। थोड़ा बाद में मैं देखूंगी इसको, इस तरह इसको मिला के मेरा तैयार हो गया है कटवा अचार। अब इसको मैं 2-3 दिन धूप दिखाऊंगी। ये देखिए सिरका, सिरका डालूंगी। जिसे विनेगर बोलते हैं, हम आपको बढ़िया से इसको मिला के 3-4 दिन धूप दिखा दूंगी और तब जार में भर के रखूंगी। बस हमारा अचार रेडी हो गया। आप लोग भी इसी तरह बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।